किसी दिन हम रो रहे हैं, इंतज़ार ही कर रहे हैं, मतलब एक ऐसी प्रोसेस में फंस गए थे जिसमें ना हम सिलेक्ट हो रहे हैं ना हम रिजेक्ट हो रहे हैं, बस अधर में अटके हैं। जो घर के दूसरे सदस्य थे उनसे मैं 2-2 साल नहीं मिली, क्योंकि जब भी मिलो, अच्छा बेटा आप अभी तक पढ़ी रहे क्या, अच्छा तब से इंदौर पे ही हो, उन्हें नहीं बता सकते कि क्या 87-13 है, कोर्ट में क्या हुआ है, 19 का प्रोसेस रहा है उसमें, तो मैं क्या बताऊं कि मैं रो भी रही हूँ और मेरे आंसू पेज पे गिर रहे हैं, पन्ना सुखा रही हूँ, आंसू पोंछ रही हूँ, पर नहीं पढ़ना है। और मैंने कसम खाई थी कि अब मैं सिर्फ सिलेक्शन का ही पोस्ट डालूंगी, अदरवाइज मैं नहीं। एक बार अपनी बेटी पे ट्रस्ट करके ना वो लाखों रुपए उसकी पढ़ाई पे लगा के दिखाओ, रिश्ते घर चल के आएंगे और एक पैसा नहीं लगेगा। कोई प्लीज़ अपना माँ बाप का ट्रस्ट मत तोड़ो, आपको पता है कि क्या आपके लिए सही है, ठीक है, वो आप पे भरोसा कर रहे हैं और आपको उस भरोसे की लाज रखनी है। आप भी टॉपर या कोई भी, हर इंसान वही एक सेट ऑफ बुक्स पढ़ रहा है, कोई अलग से किसी की ऐसी कोई छुपी हुई बुक नहीं है जिससे उसका एग्जाम क्रैक हो रहा है। एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हम आए हैं भोपाल झीलों की नगरी में, तो हमारे सामने हैं पूजा जी लोधी, जिनका सिलेक्शन अधीनस्थ लेखा के पद पर हुआ है 2019 वाले रिजल्ट में। तो पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना आपको। हो सकता आप लोग बहुत सारे इनको जानते होंगे, और अगर नहीं भी जानते होंगे तो ये जो क्लिप चल रही है उस क्लिप में आप इनको जान लोगे और पता होगा, ऑलरेडी आपने देखा भी होगा। सर 5 साल हो गए जब तैयारी स्टार्ट करी थी, 21-22 साल के थे, अब 27 साल लगने वाला है हम लोगों का। शादी का प्रेशर होता है, घर वाले भी एक लिमिटेड पैसा देते हैं यहाँ पे। हम तो ऐसे गांव से आके यहाँ पे पढ़ते हैं कि सोचते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे तो गांव की 10 लड़कियाँ भी मोटिवेट होंगी। वहाँ पे अगर 5 साल तक हम कुछ रिजल्ट नहीं देते सर, उन लड़कियों के साथ भी बुरा होता है। शादी का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या क्या मैनेज करना होता है, सबके अपने अपने दिक्कत है। और दिक्कत ये नहीं है, हम लोग ने हमारा एग्जाम निकाला अच्छे नियमों के साथ, वो चीज़ क्वालिफाई की है। अब शासन प्रशासन की दिक्कतों के कारण या कोर्ट की लेट लतीफी के कारण अगर कुछ चीजें नहीं आ रही तो उस चीज में अल्टीमेटली एक बेरोजगारी सफर कर रहा है। बस ये तो क्या चाहते हैं आप 2019 को, मतलब आयोग से क्या डिमांड है आपकी? इससे ये है कि जो भी टेक्निकल चीजें हैं उनको थोड़ा सा साइड रख के एक बार स्टूडेंट के बारे में सोचें। रिजल्ट निकालने के लिए हमें पता है सर वो एक संवैधानिक संस्था है, उनके पास बहुत सारी पावर है, अगर वो चाहे तो वो ऐसा कर सकते हैं। वो पता नहीं किन्हीं कारणों से हम नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, धन्यवाद, मैं समझ सकता हूँ इस चीजों को। आप लोग जो भी देख रहे हैं समझ सकते हो, क्योंकि 2019 यानी कि 5 साल होने वाले हैं और अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, क्या रीजन है इसका ये और भी हम जानते हैं। स्ट्रगल काफी रहा है इनका, तो बस आज इस इंटरव्यू में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सिलेक्शन तो हर किसी को दिखता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, बट इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे का जो संघर्ष है, हर किसी को नहीं पता होता है। तो वही कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो संघर्ष दिखाने की। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लोधी जी, वंस अगेन आपका स्वागत है। जैसा कि आप तो यहीं रहते हैं झीलों की नगरी में भोपाल में, तो थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को ब्रीफ कर दीजिए। पहले तो थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, ताकि मैं मेरी जो भी पूरी जर्नी है मैं वो आप लोग के सामने शेयर कर सकूँ। तो जैसे आपने भी मेंशन किया कि वो वीडियो क्लिप का, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं उस चीज़ ने इम्पैक्ट डाला था, बट जो पूरी हमारी जस्टिस टीम थी जिसने इस रिज़ल्ट के लिए बहुत ज़्यादा 3-4 साल से पूरी मेहनत की, तो वो लोग सब इक्वली कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके, मतलब उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो उन सबको पहले तो थैंक यू। और रही बात 2019 के अटैम्प्ट की, तो ये मेरा पहला अटैम्प्ट था, मतलब 2018 में मैं एलिजिबल नहीं थी, ग्रेजुएशन नहीं हुआ था मेरा। फिर उसके बाद जैसे कॉलेज का प्लेसमेंट हुआ तो 6 महीने जॉब की, बट हमेशा से कोर ऑफ द माइंड था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बट ये क्लियर नहीं था ग्रेजुएशन के बाद तक, इवन जब मैं जॉब भी कर रही थी 6 महीने के लिए, कि मुझे UPSC करना है या MPPSC करना है या और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं वो। तो फिर थोड़ा सा दिसंबर में जॉब छोड़ दी मैंने, मतलब 6 महीने का पूरा जॉब किया, फिर उसके बाद मैं घर आ गई, और जो कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कुछ और बड़ा कर सकूं, कि मतलब मैं दिल्ली जाके रह सकूं या अफोर्ड कर सकूं। तो फिर मेरे को थोड़ा सा माहौल ऐसा मिला कि एक काम करते हैं अपन MPPSC करते हैं, ये सब बोलते भी हैं कि थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली UPSC, और कहीं ना कहीं अगर बड़े टारगेट्स अचीव करने हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि हाँ MPPSC अफोर्डेबल भी है और थोड़ा सा अपन कर सकते हैं, तो फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करी। मार्च अप्रॉक्स में मैंने तैयारी स्टार्ट करी होगी, ये बात है 2019 की, तो तब सुन रहे थे कि नोटिफिकेशन आने वाला है, तो मैंने स्टार्ट किया तैयारी हो, बट वो बहुत भगवान को भी मैं थैंक यू बोलूँगी इस चीज़ को लेके कि मार्च मैंने तैयारी स्टार्ट करी, बट वो नोटिफिकेशन कुछ और कारणों से नवंबर में आता है, right. तो वो मुझे एक 8 महीने का एक ऐसा पूरा स्लॉट मिला जिसमें मैंने दिन रात मेहनत करी, और फिर प्रीलिम्स की डेट आई 12 जनवरी को, मैंने दिया, शाम को मेरा स्कोर अच्छा था, तो
और जो कि पहला अटेम्प्ट था तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ऑलरेडी हम प्री पढ़ पढ़ के एग्जॉस्ट हो गए थे, बट मैं इतनी ज़्यादा खुश थी मेंस देने के लिए कि मतलब 7 बजे मैंने स्कोर मिलाया और मैंने कहा यार मतलब मेरे को मेंस देने का मौका मिलेगा, तो फिर मैंने उसी दिन आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, मतलब मेरे को खुशी थी उस चीज़ की कि हाँ मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि सेम डे कोई नहीं पढ़ता है जिस दिन फ्री होता है। मैंने शाम को मतलब ज्योग्राफी के 3 मार्कर्स लिखे कि मुझे बहुत खुशी थी कि मेंस देने मिल रहा है, ऐसा बस ये सारी जर्नी थी अभी तक। रिजल्ट जिस दिन आया था तो क्या कर रहे थे उस टाइम, क्योंकि ये जो इसलिए मैं बार बार हर किसी टॉपर से क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि वो मोमेंट जो था सबसे बड़ा आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, राइट? उस दिन 12 बजे रिजल्ट आना, किसी को आइडिया नहीं था कि हाँ फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, बस चल ही रहा था, वो भी 1 या 2 दिन पहले ही चल रहा था, राइट? कि हाँ रिजल्ट आने वाला है, बस किसी को भरोसा नहीं था कि, और वो भी इतनी रात को, पता है कभी किसी पीएससी कभी इतनी लेट नहीं करता, करता है 7 से 8 बजे तक कर देता है, बट 12 बजे तो कैसा, क्या उस दिन क्या रिएक्शन था, कैसा क्या माहौल था जब रिजल्ट देखा आपने? वो तो आप जानते हैं 19 का जर्नी पूरा, ठीक है? तो 18 या 19 को जो भी थोड़ा सा हम लोग ने किया एफर्ट्स रिजल्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं अब उसके बाद हमको लगा कि अब 19 को लेके रिजल्ट को लेके कोई हर्डल नहीं है, तो हम लोग ने वेट स्टार्ट कर दिया था 19 से लेके 20 तारीख के शाम से। ऐसा होता था मतलब मेरे को लगता है जो भी सीरियस एस्पिरेंट है और 19 से जिसको भी उम्मीद थी, राइट, और हमें पता रहता था कि 6 बजे के बाद आयोग में मतलब PDF आने हैं, तो हम लोग बस 4 से 5 घंटे फ़ोन हाथ में रहता था और कोई भी PDF आती थी ओ नो रिजल्ट आ गया, मतलब वो एक डर बना रहा, मतलब वो एक मिक्स्ड फीलिंग थी जिसमें डर भी लग रहा था, खुशी भी हो रही थी और मतलब ऐसा भी लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, जैसे अभी आपने मेंशन किया टर्निंग पॉइंट, तो पर वो वेट करते करते पूरे 7 दिन हो गए रिजल्ट आया नहीं। फिर 26 की रात को भी मतलब पता चला कि हाँ आज पॉसिबिलिटी है, ठीक है 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, ठीक है खाने के लिए घर वाले बुला रहे हैं खा लो, मैंने कहा नहीं पता नहीं क्या हो जाए, ऐसा ना हो कि मतलब मैं खाने बैठूँ और कुछ हो जाए, ठीक है 11 बज गए, घर में सब सोने चले गए, थाली मैंने वहीं रखी है, मैं क्या करूँ, ठीक है। और फिर एक मेरा दोस्त है बहुत अच्छा जिसने पढ़ाई में भी मेरे को बहुत हेल्प करी है, तो वो मेरे सारे रिजल्ट चेक करता है, मेरे को मुझे लगता है कि कोई मेरा और ही रिजल्ट देखे, तो उसका कॉल आया, बोलते आ गया लिस्ट में नाम, तो मैंने कहा नहीं लग तो नहीं रहा यार, मतलब इतने आसानी से आ जाएगा क्या, मतलब वो इतना आसान नहीं था, पर आ गया था तो विश्वास नहीं हो रहा। 15 मिनट तक तो मैं एकदम फेस थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिस्पॉन्स आना चालू हुआ, नीचे गई मम्मी पापा को बताया कि ऐसा ऐसा है, इस पद पे हुआ है, तो वो भी एकदम सो गए थे सब, बट फिर उठ गए, फिर हम लोग 3-4 बजे तक सब बातें करी, जो खास लोग थे उनको बताया, फिर अगली सुबह से जो कॉल्स आना चालू हुए घर के जितने फ़ोन थे सब पे, मतलब उनका चार्जिंग होना दुश्वार हो गया था, इतने कॉल्स इतने कॉल्स, मतलब अच्छा था नेक्स्ट डे जो था, मतलब वो लाइफ का एक ऐसा दिन है मैं भूल नहीं सकती, मतलब लंबे समय बाद इतनी बड़ी खुशी बोल सकते हैं, एक होप बोल सकते हैं कि यार लंबे समय से इंतजार था किसी चीज का और कुछ ही सेकंड में वो बदल गया कि एक अलग ही जिसका इंतजार था। और सुबह के टाइम से तो मतलब बहुत ही अच्छा था, मतलब ये एक ऐसी चीज है और जो खुशी मतलब जो मेहनत करते हैं मुझे लगता है वो समझता है इस चीज की खुशी कि क्या है, और अभी भी मैं कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ बहुत अच्छा होता है पूरे आपके जितनी भी रात आप बिल्कुल नींद छोड़ के पढ़े हो, ठीक है आपने भी जितना भूखा प्यासा रह के पढ़ाई करी, आपने जितने भी स्ट्रगल करे हुए हैं ना, वो एक सुबह में ऐसा लगता है कि सब वर्थ था, आपने जो भी किया, आपने जितनी भी मुश्किलें जितनी भी दिक्कतें झेली, वो जिस दिन आपका रिजल्ट आता है ना आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड हुई है वो चीज़ें सारी। लगभग 480 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बट वो खुशी वो सबसे ज़्यादा फील कर पाता होगा जिसने उस प्रोसेस को सबसे ज़्यादा टाइम दिया है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है, मतलब काफ़ी सारे लोग सिलेक्टेड भी है बट मतलब इंडिविजुअल है, मुझे लगता है शायद मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया या किसी और ने मुझसे ज़्यादा किया तो हो सकता है वो मुझसे भी ज़्यादा खुशी का हकदार रहा था उस दिन, राइट? आपने सोचा था कि आपका लिस्ट में नाम होगा? हाँ मतलब मुझे उम्मीद तो थी कि हाँ मैं होंगी, फिर बाकी क्या रैंक लिखती है। अच्छा, पोस्ट का ये नहीं था कि पोस्ट का मेरी प्रायोरिटी नहीं थी शुरुआत से, मेरे को बस ऐसा था कि मुझे जॉब पे जाना है, जो भी मिलेगा मैं उसको बहुत 100% दूंगी, अपनी नौकरी को बहुत फेथफुली करना चाह रही थी, तो जो भी है सब एक्सेप्टेड है और मैं खुश हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है आप लिस्ट में नाम आ गया है आपका, right. तो कहीं ना कहीं आप डिजर्विंग हो, इवन जो बच्चे इंटरव्यू तक भी पहुँचते हैं उनकी मेहनत भी हमसे कहीं ना कहीं तक कम नहीं है, बट उसके आगे जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं वो एक ईश्वर की इच्छा भी है और लक भी है, क्योंकि एक एक दो दो नंबर से आपके रैंक्स चेंज हो रहे हैं, 4-4 नंबर से ऐसा हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं नीचे आ जा रहे हो, कोई ऊपर चला जा रहा है,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है जब रिजल्ट बन रहा होता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कोई इंटरव्यू तक भी पहुंच रहा है तो उसका स्ट्रगल था वहाँ पे, उसने मेहनत की थी। राइट, आपने शायद बताया था मुझे स्टार्टिंग में 2018 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, 2019 से किया था, तो कहाँ से किया था ये प्रिपरेशन? मैं इंदौर गई थी। इंदौर? नहीं, मैंने मतलब ऐसा हुआ शुरुआत में, जैसे दिसंबर में मैंने जॉब छोड़ा, उसके बाद मैं घर आ गई थी, मेरा जॉब इंदौर में ही था, तो तब मैंने देख तो पता तो कर लिया था कि कैसे क्या करना है, जो बेसिक एनसीईआरटी वगैरह होती है वो जो मैं परचेज करके, क्योंकि मुझे अपना पीएससी काफ़ी लो बजट रखना था ताकि फैमिली पे बर्डन ना आए, और ऑलरेडी जब पता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और उस पर भी आप घर पे कहीं ना कहीं जॉब छोड़ के और छोड़ के आ जा रहे हो जबकि सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो मुझे था कि मैं घर पे करती हूँ, तो फिर मैं वहीं पे अपना जो भंवर को चौराहा है वहाँ से मैंने एक बकायदे बंडल ले लिए, उनको लेके मैं घर आ गई। ठीक है, तो एक अपना बेसिक फाउंडेशन मैंने तैयार किया, फिर थोड़ा पता किया तो मुझे लगा कि नहीं अपन थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, खर्चे कंट्रोल करेंगे, पढ़ने जाते हैं। वहाँ पे गई तो लगभग मार्च से मैंने कोचिंग स्टार्ट करी और नवंबर में नोटिफिकेशन आ गया था, तो वो 6 महीने का मैंने पूरा डेडिकेटली काम किया। तो कैसी क्या लाइफ रही थी इंदौर की, क्योंकि इंदौर की लाइफ जो रहती है बहुत लोग एंजॉय भी करते हैं उस चीज़ को। हाँ देखिए, कहीं भी आप जाओगे ना आपको दो चीज़ें हमेशा मिलेगी, या तो आप वहाँ से बन के निकल सकते हैं, ठीक है, या वहाँ पे आप जाके और भी बुरी स्थिति में अपने आप को कर सकते हैं। मतलब इंदौर बड़ा शहर है, वहाँ पे बिगड़ने के भी 10 रास्ते हैं, ठीक है, और करियर बनाने वाले करियर बना के भी वहाँ से निकल जाते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी क्लियर थी कि अपन को पढ़ना है, ठीक है, तो वो 6 महीने का ऐसा था कि भंवर कुआं और मेरा हॉस्टल था टावर पे, तो वो मैं उसमें पर्टिकुलर 6 महीने के रेडियस में वहाँ से बाहर नहीं निकली। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि अभी जानने लगी हूँ मैं इतना कि भंवर कुआं के बाहर जाएंगे तो नवलखा आएगा या कुछ ऐसा भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, और उस पूरे प्रोसेस में मैं घर भी नहीं आई। तो बस एक सिंपल सा रूटीन था कि आपको पढ़ना है, ठीक है, खाना खाना है क्योंकि जिंदा रहना है, बाकी और खाने का मोह भी छूट गया था, ठीक है, और सो ताकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आप ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाओगे, और इसके अलावा मैंने कोई तीसरी चीज़ नहीं की। तो डेली का रूटीन क्या रहता था, मतलब यही रहता था कि पढ़ना है? हाँ, भोला राम वगैरह का क्या रहता था? नहीं, भोला राम आप मैं बताऊं कि मैं 1.5 साल तक भी नहीं पता चला मुझे कि भोला राम एक जगह है। अच्छा। भंवर कुआं के उस पार कि वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, क्योंकि मेरा कोचिंग इस साइड ही था, ठीक है, मेरा हॉस्टल इस साइड था, मेरे को जब इस पूरे रेडियस पे काम हो जा रहा है तो मैं क्यों जाऊं उधर। राइट। और उस पे 6 महीने में मैं हर चीज एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखती थी कि अगर वो एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है तो वो देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोचती थी नहीं यार, मतलब अपन को क्योंकि कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें रिटेन करनी है तो फालतू चीज़ों से बचो, थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, तो ये रहता था। मतलब तभी मुझे से लगता है ये सारे फैक्टर काम करते हैं जब आप पहली बार में कर रहे होते हो, और रिजल्ट भी मिलता है फिर अगर जैसे पहला अटैम्प्ट आप देते हो तो। बहुत सारे लोग होते हैं पहला अटैम्प्ट देते हैं और वो भी बहुत मेहनत करते हैं, बट वो क्या होते हैं दूसरी चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। आपकी 12 घंटे की आप पढ़ाई कर रहे हो, 10 घंटे की कर रहे हो, 4 घंटे आप दे रहे हो दूसरी चीज़ों में, पढ़ाई आपकी हो रही है, बट वो 4 घंटे माइंड में स्पेस कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों, जैसे आप मिल के आए, आपको लगेगा आप अपने किसी फ्रेंड से मिले 10 मिनट के लिए, ठीक है, बट वो सिर्फ 10 मिनट नहीं होते, कहीं ना कहीं आप जब आओगे बुक खोलोगे तो आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे कि हम यहाँ गए थे, तो वो एक माइंड का स्पेस ऑक्यूपाई होता है। मैंने इन चीज़ों से अपना समय थोड़ा बचाने की कोशिश की, मतलब हॉस्टल में मेरे बगल में कौन रहा है मेरे को मेरी रूममेट का बस पता था, ठीक है, कि हाँ ये है और इसका ये रूटीन है, बाकी सामने के रूम में कौन रह रहा है, बगल के रूम में कौन लड़कियाँ रह रही है, ना मैंने जानने की कोशिश की, और अगर उन्होंने कोशिश की कि हम इनके बारे में जाने तो मैंने उनको वो स्पेस भी अपना इंट्रूड नहीं करने दिया कि नहीं नहीं क्योंकि पढ़ना है ऐसा। उनका बताओ कि कैसे क्या प्रिपरेशन किया था आपने, और क्योंकि 2019 में स्टार्ट किया था, राइट, 19 में स्टार्ट कर दिया था, तो ये तो रिजल्ट का थोड़ा सा डिले हुआ, बट फर्स्ट अटेम्प्ट ही है आपका तो जी 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 19 में जी, तो कैसे क्या अप्रोच था आपका, मतलब सिलेक्शन लेना? जी देखिए, मार्च में मतलब जब मैं इंदौर गई उसके पहले मैं अपना एनसीईआरटी और बेसिक्स जो थी कंप्लीट कर लिया था मैंने, उसके बाद मैं गई तो जो भी कोचिंग में पढ़ाया जाता था मुझको वहाँ पे मैं कोशिश करती थी मैं उसको रिवाइज करूँ, और जो अगले दिन पढ़ाने वाले हैं टीचर्स वो एक बार खुद भी एक बेसिक फाउंडेशन बना के जाती थी, क्योंकि मेरा एक ज़्यादा मेहनत करने के पीछे रीज़न ये था कि मैं 10th में भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, मेरा 76% था, ठीक है, तो मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने कभी पढ़ाई पे, क्योंकि नहीं समझते हम कि इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो बहुत ब्लेस्ड बच्चे होते हैं जो 90-80% ला रहे होते हैं स्कूल टाइम पे, तो मुझे था कि हाँ बस 10th करनी है, फिर 12th आ गई वो भी मेरा 70% से रहा,
ठीक है, और जब मैंने इंजीनियरिंग की तो वो भी ऐसा था कि बहुत मुश्किल से हुई मुझसे। अच्छा, ठीक है, उसमें भी ऐसा था, शुरुआत के सेमेस्टर्स में ऐसी हालत थी कि मुझसे नहीं हो रहा पापा, मुझे घर आना है, मैं रो रो देती थी कॉलेज में। फिर जैसे तैसे सर्वाइव किया 4 साल, क्योंकि हिंदी मीडियम था, ठीक है, और इंजीनियरिंग करना है तो वहाँ पे पूरा करिकुलम इंग्लिश में डिज़ाइन होता है, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग फेज था। तो मेरे को ऐसा लगता है जो भी आप आज बन रहे हो उसका 5 साल पहले का एक रीज़न होता है। मतलब ऐसा नहीं था कि वो 8 महीने पढ़ाई करी तो एग्ज़ाम क्रैक हो गया, कहीं ना कहीं वो एक, मतलब बोलते ना मकान खड़ा कर रहे हैं, तो एक ईंट शायद मैंने फर्स्ट ईयर में रखी होगी, दूसरी ईंट शायद धीरे धीरे धीरे, जो चीज़ें होती है ना वो एक सम ऑफ द आउटपुट आप आखिरी में करते हैं। राइट, आपने बताया आपका बी किया, राइट, आपने और आपका हिंदी मीडियम था, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कैसे कोप किया, मतलब बड़ा चैलेंजिंग है ये एक तरीके से। और आपने शायद मुझे बताया था जब मीटअप हुआ था कि आपने शायद इंग्लिश मीडियम में ये दिया है, है ना, तो थोड़ा सा ये डील करना मुश्किल था। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा ये एक ऐसा श्राप था जो वरदान सिद्ध हुआ मेरे लिए, क्योंकि स्कूलिंग रही थी मेरी हिंदी मीडियम से, ठीक है, और जब हमने इंजीनियरिंग किया, मेरा बीटेक था, तो उसमें इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल था, ठीक है, और मैं जिस कॉलेज से पढ़ी हूँ वहाँ पे भी थोड़ा सा एक ऐसा कॉम्प्लेक्शन रहता था कि अरे यार हिंदी मीडियम के बच्चे हो, आपको नहीं आता है, आप इंग्लिश में बोल नहीं पा रहे हो, आप इंग्लिश में लिख नहीं पा रहे हो, आप स्पेलिंग्स गलत कर रहे हो, तो वो एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी की थी, बट कहीं ना कहीं मैं उससे फ़ाइट करके अपने आप को सब में शामिल करने की कोशिश करती थी। और वो 4 साल भी मैंने बहुत मेहनत करी, मतलब अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए। फिर जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा हुआ कि मेरा हिंदी से पूरा कांटेक्ट फिर छूट गया था, मतलब अच्छा। वो 4 साल के पीरियड में मैं एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा बन चुकी थी, तो फिर मैंने कहा कि यार पीएससी में किस में किया जाए। और फिर तो देखिए एडवांटेज थोड़ा सा रहता है, ये नहीं रहता, देखिए ज्ञान तो चाहिए, बट जो एक थोड़ा कॉपी का फॉर्मेट है, क्या हिंदी में थोड़ा आप स्लो लिखते हो, इंग्लिश में आपके मेंस में पेपर थोड़े क्या कि वो होता है, कर्सिव राइटिंग होती है, तो आप जल्दी जल्दी लिख पाते हो। तो मेरे को थोड़ा, मैंने पूरा गणित लगाया और मुझे लगा कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम से करती हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं इंग्लिश मीडियम में स्विच कर गई, और वो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं फ़ायदा दिया है उस चीज़ ने मुझे मेंस में। फिर मतलब प्रीलिम्स निकल गया 12 जनवरी को, ठीक है, और उसके बाद मेंस के लिए एक्साइटेड थे, बट प्रैक्टिकली देखिए, क्योंकि जैसे कि क्या होता है, प्री के बाद 3 महीने के अंदर मेंस होना होता है, 3 या 2.5 महीने के अंदर मेंस हो जाता है, और अगर वो उस टाइम पे हो जाता तो शायद नहीं मेरा क्लियर होता, क्योंकि मैंने सिर्फ प्री पे फोकस किया था शुरुआत में, बट होता क्या है कि कोविड आ जाता है तब, ठीक है, तो मेंस उस चक्कर में पोस्टपोन हो जाता है, तो वो पूरा 1 साल का इंटरवल मिल जाता है। बट कोविड में पढ़ना मेरे को ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल था, आगे नहीं पता था कि क्या होगा, उस टाइम पे आप सर्वाइव ही कर ले रहे हो वो बहुत है, करियर तो दूसरी चीज़ें थी। फिर मैं घर आ गई, पूरा सामान उड़ गया, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन मतलब सबके साथ ही थी वहाँ पे, तो मुझे लगा कि अब वर्थ नहीं है वहाँ पे रहना, और मैं मेंस क्योंकि अभी पता नहीं है कि कब होना है, तो फिर हम पूरा सामान उठा के वापस से घर आ गए। फिर वो पूरा वेट किया रिजल्ट का 1 साल बाद 19 का, क्योंकि सब चीज़ें महीनों में कुछ नहीं हुई है, हर चीज़ सालों में हुई है 19 की, तो 1 साल बाद जब प्रीलिम्स का रिजल्ट एकदम क्लियर हो जाता है, हम श्योर हो जाते हैं, तो फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। और वो मेंस भी जब 19 का मेंस हुआ है वो लॉकडाउन के समय ही हुआ है, जब सेकेंड वेव आई थी उसके पहले 21 से 26 मार्च के बीच हुआ है, तो स्पेशली हम लोगों को पासिस मिले थे मेंस जाने के लिए, और बहुत ऐसा था कि आप जा भी सकते हो एग्ज़ाम सेंटर में, आपको नहीं पता, हो सकता है आप कोविड पॉजिटिव होके घर लौटो। मेरे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे और उन्होंने तब भी मेंस लिखा, और कुछ के साथ इतना बुरा भी हुआ है कि वो मतलब 5th पेपर में 6th पेपर में वो बेहोश हो गए एग्ज़ाम हॉल में। अच्छा। क्योंकि कोविड के टाइम पे अब एग्ज़ाम चल रहा है मेंस का, और आयोग पे भी प्रेशर था, क्योंकि 1.5 साल हो गए थे प्री हुए हुए, तो उनको था कि हमको करवाना है, बट हम लोग ने कोशिश करी, ठीक है, कोविड को भी मैनेज किया, अपना मेंस की तैयारी भी साथ में रखी, और फिर पूरा मेंस किया। बट मेंस के बाद भी ऐसा होता है कि मार्च में मेंस होता है, उसके बाद इनडेफिनेट पीरियड के लिए फिर से चीज़ें गायब हो जाती हैं, ठीक है, फिर दिसंबर को रिजल्ट आता है, वो भी 6-7 महीने एकदम ऐसे थे कि कब आएगा कब नहीं आएगा, किसी दिन हम रो रहे हैं, इंतज़ार ही कर रहे हैं, मतलब एक ऐसी प्रोसेस में फंस गए थे जिसमें ना हम सिलेक्ट हो रहे हैं ना हम रिजेक्ट हो रहे हैं, बस अधर में अटके हैं, और लाइफ भी रुक गई है, और हमारी नहीं रुकी है, हमारे परिवार वालों की भी रुक गई है कि अगर इसका कुछ हो तो हम हमारी प्लानिंग करें आगे, क्योंकि लड़की हो बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, मतलब भले अपन ने कोशिश इस हिसाब से करी थी कि अपन 22 साल के और अभी अटेम्प्ट देते हैं, फटाफट एक नौकरी ले लेंगे और अच्छा है 23 साल में बन गया कुछ अच्छा हो गया, ठीक है, बट वो करते करते कहीं ना कहीं अभी 27 टच कर गया है मेरा, तो वो 1-1 साल के इंटरवल में जो पेपर हुए, फिर जब 31 दिसंबर को रिजल्ट आता है, और वो भी क्योंकि पहला अटेम्प्ट ही चल रहा है,
तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं तुरंत मंदिर गई, मैंने कहा इंटरव्यू कॉल आ गया, मम्मी पापा को बताया, वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनका भी एक फैमिली भी इन्वॉल्व रहती है आप जब तैयारी कर रहे होते हो। और प्री के टाइम ज़रूर मैं इंदौर थी, बट मेंस के अब प्रिपरेशन मैंने घर से खुद से ही किया है क्योंकि कोविड था, सामान उठ चुका था, तो लग रहा था कि अब इंदौर जाना दोबारा फीजिबल रहेगा नहीं रहेगा, तो घर पे ही नोट्स मेकिंग करना और पूरा पूछ पूछ के जितना हो सकता था सब किया। बट 31 दिसंबर के बाद ऐसा होता है कि 7 अप्रैल को पता चलता है कि मेंस का रिजल्ट रद्द हो गया। ठीक है, और वो इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन था मेरे लिए और जितने भी 1918 लोग थे सब बहुत ज़्यादा कि क्या चीज़ है, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। 2-3 दिन सब ब्लैंक रहे, मेरा भी बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ। फिर हम में से ही कुछ हिम्मतदार लोग थे जिन्होंने बोला कि नहीं हम इसको लीगली चैलेंज करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बकायदा फिर जो जबलपुर की टीम थी, ठीक है, और जो इंदौर के थोड़े से बच्चे थे, उन्होंने एक बकायदा एक लीगल ग्राउंड्स पे एक पूरा केस तैयार किया और फिर उसके बाद उस चीज़ को चैलेंज किया। तो फिर उस अपनी जो मेहनत थी और भर्ती थी, मतलब ये सिर्फ एक ऐसा नहीं रहा कि पढ़ने से ये पेपर निकला है, एक बहुत सारा एक पूरा फेस रहा है, कोर्ट का फेस रहा है पूरा। ठीक है, उसमें घर को भी मैनेज करना है, बहुत सारे लोग हैं, कमाना भी है, खुद का भी देखना है। और नहीं देखिए, आप और मैं समझ रहे हैं कि किस चीज़ों के कारण हमारी नौकरी डिले हो रही है, पर आप सोसाइटी को नहीं समझा सकते। उनको ये लगता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो इसलिए आपकी नौकरी नहीं लग रही है। उनको ये नहीं पता है कि हम किन समस्याओं से मतलब गूंज रहे हैं। हमने पढ़ा पर फिर रिजल्ट कैंसिल हुआ, उसमें हमारा हाथ नहीं था, हमने तो रिजल्ट निकाला। ये सारी चीज़ें थी, आप सोसाइटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। घर वाले भी एक अप टू द मार्क अंडरस्टैंड करते हैं, बट उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार नौकरी हो जाती, अब किन्हीं कारणों से नहीं हुई, डिले हुआ, तो ये सारा चलता रहा। फिर वो भी आप मानिए 2 साल हो गए पूरा मेंस का रिजल्ट आए, वो 2 साल पूरी लीगल लड़ाइयाँ लड़ी, सिर्फ हाई कोर्ट में नहीं सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाइयाँ चली हैं हम लोगों की। फिर अल्टीमेटली आ गया रिजल्ट, तो खुशी है उस चीज़ की कि वो लड़ाई जो 2 साल की थी, मतलब ऐसा लग रहा है बस एक चीज़ लगती है कि आज जो है वो शायद 2 साल पहले हो गए। इस बीच में आपको ऐसा नहीं लगा क्योंकि इतना लंबा समय हो रहा है, बोल सकते हैं अब 4-5 साल लंबा ही समय होता है यार, क्योंकि 1 साल में आपने प्रोसेस हो गया, हो जाता तो काफ़ी सही रहता, आपको पता चल जाता अगर आप फेल भी हो रहे हैं तो एक आइडिया तो लग जाता ना कि हाँ मैं फेल हो रहा हूँ वापस से ट्राई करूँ, बट आपको आइडिया नहीं लग रहा कि वही बोला आपने कि ना तो इधर के ना उधर के राइट तो इसके बीच में फेसेस जो रहते थे, बहुत सारी चीज़ें रहती, तो मैनेज कैसे किया आपने, कैसे फेस किया जो चैलेंजेस रहते थे सामने? यार मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आज आप सक्सेस पा लिए हो तो फेलियर, रोना, भूखा रहना, ठीक है, डिप्रेशन आना, एंग्जाइटी होना, ठीक है, आपके साथ में हुआ है ये सब बहुत ज़्यादा हुआ है मेरे साथ। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं एक अकेले कमरे में नहीं रह पाती थी, अगर मैं 5 मिनट के लिए भी अकेले रहती थी तो मुझे रोना आता था और फॉर नो रीज़न कि मुझे क्यों रोना आ रहा है, मतलब एक मेंटल स्टेट आप प्रताड़ित हो चुके थे कि अब क्या करें यार, क्योंकि कहीं के नहीं बच रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आप मतलब मैं थोड़ा सा मानती हूँ कि लड़कों को थोड़ी प्रिविलेज रहती है या नहीं रहती, मैं नहीं बोलूँगी, इसको अपन जेनरलाइज नहीं कर सकते, बट वो एक बर्डन था कि यार अब क्या करेंगे। और फिर इतना पढ़ लिया है तो उसके बाद ये भी नहीं कर सकते कि अपन शादी कर लें, क्योंकि एक हम तो अपने आप को संभाल भी लेंगे, हमारे पापा गाँव से आके हमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो उनको क्या बोलेंगे लोग, तुमने इतना पढ़ा के क्या किया, वो सारी चीज़ें होती है। तो हम नहीं जा रहे, ऐसा भी हो रहा था कि मैं अपने जो घर के दूसरे सदस्य थे उनसे मैं 2-2 साल नहीं मिली, क्योंकि जब भी मिलो, अच्छा बेटा आप अभी तक पढ़ी रहे क्या, अच्छा तब से इंदौर पे ही हो, उन्हें नहीं बता सकते कि क्या 87-13 है, कोर्ट में क्या हुआ है, क्या भैया ये एक स्टेज नहीं है कि आप गए आपने 2 घंटे पेपर दिया और आपका रिजल्ट आ गया आप सिलेक्ट हो गए, आपको प्री देना है, और अगर आप एक भी स्टेज पे फेल होते हो आप सीधे 0 पे आके गिरते हो। आपका अगर स्कोर 900 कट ऑफ गया और आपका अगर 899 भी है, वो 899 किसी काम का नहीं होता है अगर आपने एक बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है, आप आखिर वापस से 0 में ही जाते हो। तो ये अपन को नहीं समझा सकते अपन सोसाइटी को, तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, चाहे फिर वो कॉलोनी हो और घर के दूसरे लोग भी हैं। पर कहीं ना कहीं इसमें ना ऐसा है कि 2-4 लोग होने चाहिए आपकी लाइफ में जो पिलर की तरह काम करें, और मेरे हिसाब से तो आपको सिर्फ उन्हीं से ही बात करनी चाहिए। आपकी लाइफ का जैसे कोई रहता ना एक बोल सकते हैं मार्गदर्शन, जी जी जी, एक जो गाइड करते रहते हैं, फॉलो किया आपने? मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब जो मेरे पेरेंट्स थे, क्योंकि हम लोग गांव को बिलोंग करते हैं, और मतलब फादर भी ऐसे थे, वो सेल्फ मेड पर्सन थे, और जैसे कोई एग्जाम मेरा रुक भी जाता था, जैसे मेरा पटवारी क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम पे, दिया था आपने? जी मैंने दिया था, क्योंकि नौकरी का ऐसा था कि अपन को करना तो है, अब पीएससी का जो होगा होगा,
बट अपन को उस टाइम पे प्रायोरिटी बन गई थी कि यार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था. कितना अपन बर्डन डालेंगे घर पे, कंटिन्यूस हर महीने बोलना पड़ता है, बोल भी नहीं पाते, कहीं मम्मी से बुलवाने की कोशिश करते हैं या ऐसा लगता है कि शायद खुद से वो बोल दे तो बहुत खुशी होती थी कि हाँ ठीक है आ गए इस महीने के भी आ गए. बहुत बर्डन लगता था. तो पटवारी का पेपर दिया था तो रुक गया था मेरा, तो मैं बहुत रोई थी. तब पापा ने समझाया था कि नहीं मतलब ये भी एक पार्ट है, तुमको करना है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पटवारी नहीं निकल रहा है तो आप किसी लायक नहीं हो. स्टेट सिविल सर्विसेज दूर की बात है, हर इंसान के लिए एक चीज़ बनी है. हो सकता है आप उसमें बेहतर प्रदर्शन करो और हो सकता है उससे सरल चीज़ में आप उतना बेहतर प्रदर्शन ना कर पाओ. तो ये सारे फैक्टर थे. तो एक तो मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे पेरेंट्स रहे हैं, उन्होंने साथ दिया है. जैसे मैं कोविड में भी घर आ गई थी तो बोलते ना एक सोसाइटी से दूर रखना और घर वालों के कॉल, जैसे रिश्ते भी आए तो मेरे तक नहीं आए, वो वहीं पापा के कॉल से आके वापस डाइवर्ट कर दिए गए कि नहीं अभी पढ़ना है. यू टर्न ले लिया. तो और जैसे अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन ऐसा हो जाता है जब अपना एग्ज़ाम पीक पे है कि एक महीने बचा हुआ है तो नहाना धोना चलो आप नहीं कर रहे हो बट बहुत सारी चीज़ें होती है. खाने का टाइम हो गया, चाय बनाने का टाइम हो गया. मैं घर आ जाती थी तो मम्मी का इसमें बहुत रोल रहता था, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी. और उन दोनों का पढ़ाने का भी मोटिव ये था कि वो नहीं पढ़ पाए क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश के थे तो उनको लगता था कि मैं पढ़ूँ. तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रोल रहा. और हाँ मेंटर्स भी रहते हैं, जैसे हमारे कुछ टीचर्स थे इंदौर में, दो तीन टीचर्स हैं जो हमारे साथ सिलेक्ट हुए हैं. तो वो उन लोग का भी एक मतलब मेरे को ऐसा लगता है बहुत, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक कर रहे हो तो बहुत सारे परमोटेशन कॉम्पिटिशन मतलब कॉम्बिनेशन बने हुए हैं यहाँ पे कि या तो राइट टाइम राइट स्ट्रैटेजी ठीक है बोलते ना, और राइट संगत होना उस टाइम पे ठीक है. और आपका मतलब जब सारे कॉम्बिनेशन बैठ जाते हैं ना तो तब जाके आप पहले अटेम्प्ट में सारी चीज़ें कर जाते हो. तो मुझे भी ऐसा लगा कि पहले अटेम्प्ट में जो कर लिया उसके पीछे ये कारण था कि राइट टाइम पे स्टार्ट किया. कोविड आया तो उस चीज़ ने फेवर भी किया क्योंकि मुझे मेंस के लिए एक टाइम एक साल का समय मिल गया. और मुझे ऐसा लगता है कोविड में बहुत सारे लोग नहीं पढ़े, और मैंने कोविड में भी फर्स्ट लॉकडाउन में हर दिन पढ़ी हूँ. मतलब मेरा रूटीन होता था, मैं उठ जाती थी और मैं 8 बजे से सुबह पढ़ना स्टार्ट कर देती थी और फिर देश दुनिया में क्या चल रहा है मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि मुझे था कि मुझे पढ़ना है. तो वो कोविड का टाइम मैंने यूटिलाइज़ किया तो इस चक्कर में मेरा मेंस बहुत अच्छा हो गया. और बीच में बिल्कुल ऐसा भी आया है आंसर राइटिंग के लिए कि मेरे को ऐसा लिखती नहीं थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था. सुबह भी अगर मैं नहीं पढ़ पाई हूँ तो मेरा वो पूरा दिन ख़राब जाता था. मतलब मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं उठ के पढ़ लूँ. अभी हालांकि बर्डन कम हो गया है पर अभी ना जब पढ़ाई नहीं कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है लाइफ में. हाँ क्योंकि पिछले 4 साल से वही किया ना, 4 साल में मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी एक ऐसा दिन रहा है जिसमें मैंने पढ़ाई नहीं करी डायरेक्टली इनडायरेक्टली. और जब 19 का प्रोसेस रहा है उसमें तो मैं क्या बताऊँ कि मैं रो भी रही हूँ और मेरे आंसू पेज पे गिर रहे हैं, मेरी कॉपी गीली हो रही है पर मन में है कि नहीं पढ़ना है. तो मैं पन्ना सुखा रही हूँ, आंसू पोंछ रही हूँ पर नहीं पढ़ना है. ऐसा बहुत कुछ रहा है. ऐसा लाइब्रेरी भी जाती थी तो पढ़ाई में भी एक मन लगना भी बहुत ज़रूरी है. और मेरा वो पहला टाइम था मन लग रहा था. और एक मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट तब भी दे पाते हो आपको जब लगता है कि अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं बचेगा जीवन में. तो मुझे लगा कि अगर मैंने 19 नहीं निकाला तो कुछ नहीं बचेगा. नौकरी मैं छोड़ चुकी हूँ, गैप आ चुका है, ग्रामीण परिवेश से हूँ तो कोई बिजनेस तो है नहीं, मैं वो कर लूँगी. तो मुझे ऐसा लगा मैंने सब खो दिया है. मैंने 4 साल में अपने पूरे दोस्तों से बात बंद कर दी, पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स थे सब में 2018 आखिरी पोस्ट था. और मैंने कसम खाई थी कि अब मैं सिर्फ सिलेक्शन का ही पोस्ट डालूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूं. राइट, वो मैंने देखा था उस टाइम जब आप पोस्ट वही डाला था आपने, मतलब जब रिजल्ट आया आयोग के बाहर वाली फोटो 2018 के बाद वही डली थी ना? मेरी वो कसम थी एक तरीके की जो मैंने 5 साल पहले ली थी. क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे मैंने बीटेक में बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम था. तो एक होता है ना थोड़ा सा मुझे वो फेसेस भी याद आते हैं अपनी लाइफ के कि मैं प्रेजेंटेशन दे रही होती थी और इंग्लिश ना आने के कारण पीछे मैं हंसते हुए चेहरे देखती थी कि मुझे ऐसा लगता था लोग मुझ पे हंस रहे हैं. तो वो कहीं ना चीज़ अपने आप को एक प्रूफ करना है कि नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं वहाँ कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो मैं कहीं कुछ अच्छा करके सकती हूँ क्योंकि मुझ में क्षमताएँ हैं. तो वो मुझे करना था इसलिए मैं पूरी दुनिया से कट गई, सिर्फ अपने माँ बाप और एक दो खास दोस्त जो कि PSC से जुड़े थे सिर्फ उनके टच में रही. और अच्छा, जैसे आपने बताया आप गांव पास में ग्रामीण क्षेत्र से आप राइट, तो वहाँ पे ऐसा भी आसपास की लड़कियों को नहीं पढ़ाना या फिर ऐसा कुछ भी रहता था क्या? बहुत है ऐसा, मैं बताऊँ मतलब क्योंकि क्या होता है जैसे हम ही बाहर रह रहे हैं हमेशा से, तो अगर घर की भी किसी लड़की को जाना है तो ये दीदी भी तो पढ़ रहे हैं, उनने क्या कर लिया, वो तब से पढ़ी तो रहे ना. और बाहर रह रहे हो खर्चा कर रहे हो 10-15 हज़ार रुपये जाएगा,
सब चीज़ें, कॉलेज की फीस देनी है, तो नहीं हो पाता. उनको ऐसा लगता है कि रहने दो, आखिरी में शादी करवानी है, आखिरी में शादी करवानी है, आखिरी में रोटी बेलनी है उनको, आखिरी में बर्तन धोना है, घर साफ करना है, तो अभी से उसकी ट्रेनिंग दो, उसमें अच्छी होनी चाहिए. वो ये नहीं सोचते कि अगर हम पढ़ा देंगे तो शायद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी. आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बेटी के लिए जब पढ़ाने का पैसा होता है ना, वो पढ़ाने की जगह डाउरी के लिए इकट्ठा करते जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आपने डाउरी के लिए आप लाखों रुपए इकट्ठे कर रहे हो, एक बार अपनी बेटी पे ट्रस्ट करके ना वो लाखों रुपए उसकी पढ़ाई पे लगा के दिखाओ. रिश्ते घर चल के आएंगे और एक पैसा नहीं लगेगा. कोई लड़का एकदम अच्छा होगा ना, वो सही बता रही हूँ, 151 रुपए का आपको शगुन लिफाफा देके वो आपकी काबिल लड़की को लेके जाएगा. तो आप उसको दो, और जो डाउरी से समाज में प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी कि आपने इतना पैसा दिया, आप वो लड़की को पढ़ाओगे. क्योंकि मैंने देखा है अभी मम्मी को ऐसे बोल के जा रहे हैं, कोई कॉलोनी में आ रहा है ना, एटीओ की मम्मी कहाँ है, हाँ एटीओ की मम्मी, एटीओ की मम्मी. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सही है, ये कि आपने इतनी महंगी शादी करी, अरे आपने इतना दिया. मेरे को ऐसा लगता है माँ बाप को ट्रस्ट करना चाहिए अपनी लड़कियों पर, उनको पढ़ाना चाहिए. और ये चीज़ लड़कियों के मतलब पर्सपेक्ट से देखूँ ना, वो भी लागू होती है. अगर वो आपको ट्रस्ट करके किसी दूसरे शहर पे छोड़ रहे हैं, तो वो आपकी ईमानदारी है कि आप जिस पर्पस के लिए आए हो आप उसी पर्पस के लिए रहो. क्योंकि मैंने आपको बताया इंदौर में सुधरने के भी रास्ते हैं और बिगड़ने के भी हैं. तो उनको समझना चाहिए कि आपके माँ बाप आपको कितनी मुसीबतों से पढ़ा रहे हैं, मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके इंदौर भेज रहे हैं, और फिर आप उस पैसे का मिसयूज़ कर रहे हो, आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप कोचिंग कॉलेजेस बंक करके घूम फिर रहे हो. अच्छा है ये सब, बट वो जब तक आपका करियर सेक्रीफाइस नहीं हो रहा. आप एक बार बन जाओ, आपके पास पूरी दुनिया पड़ी है घूमने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ. और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे कि आप मतलब अपना कुछ का कुछ करो. तो लड़कियों को मैं बोलूँगी यही कि आप प्लीज़ अपना माँ बाप का ट्रस्ट मत तोड़ो. आपको पता है कि क्या आपके लिए सही है, ठीक है, वो आप पे भरोसा कर रहे हैं और आपको उस भरोसे की लाज रखनी है. आप सही पर्पस के लिए आए हो, पहले वो अचीव करो, फिर आप सब करो दुनिया में जो चाहते हो. जो आपकी स्टोरी बताना चाह रहा हूँ ऑडियंस को, मेरा पर्पस ये है कि स्ट्रेटजी तो सभी लोग बताएंगे, सोर्सेज भी बहुत सारे बताएंगे, बस जानना है मोटिव फैक्टर ये है कि यार इतना स्ट्रगल के बाद भी अगर आप कोई पोस्ट मिल रही है तो वो मैटर करती है. पोस्ट छोटी हो या बड़ी हो, सिलेक्शन मैटर करता है. जो मेरी प्रायोरिटी थी कि थोड़ा सा अपन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, और बर्डन पेरेंट्स का कम कर सके, अब उनके भी अपन मदद कर सके, उनकी भी जिम्मेदारियाँ ले, तो एक परिवर्तन तो जो आया है. बाकी जितना फेलियर था सक्सेस था वो सब कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस का पार्ट था. तो अगर किसी का नहीं भी हो रहा है तो वो डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि हर चीज़ का एक सही समय आता है. भगवान ने आपके लिए जब जो सोच के रखा होगा वो ही तब होगा. बट आप अगर अपना 100% देंगे तो कल को अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती हैं, मतलब आप जैसे कुछ काफ़ी बहुत सारे डिजर्विंग लोग हैं जो हमारे साथ नहीं हो पाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी मेहनत में कमी थी, और शायद वो रिग्रेट भी नहीं करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने अपना क्षमता से ज़्यादा दिया. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल को मेरा भी नहीं होता है तो शायद मैं दुखी नहीं होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरा 100% दिया. मुझे मन में रह जाता कि यार शायद मैंने मेहनत मैंने मकारी करी, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ. तो और जो नहीं भी हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कहीं ना कहीं नहीं करी मेहनत. वो सेटिस्फाइड होंगे मुझे पता है, क्योंकि उनको ये लगेगा कि हाँ उन्होंने किया. तो मेहनत करने का एक फ़ायदा यही है कि आपको रिग्रेट नहीं होता बाद में, फिर भले आप लिस्ट में हो चाहे ना हो, आप अपनी तरफ से सेटिस्फाइड रहते हो, आप किसी को ब्लेम नहीं करते, बस यही है. अच्छा, मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन का पूछना चाहूँ आपसे, प्री और मेंस और इंटरव्यू का. जी जी, ओवरऑल एक शॉर्ट में कि आपका प्रिपरेशन कैसा था, मतलब किस टाइप से तैयार किया था आपने? देखिए, आप इंदौर में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको करना है आप वहाँ पर 100% करिए. कोई भी टॉपर या कोई भी हर इंसान वही एक सेट ऑफ बुक्स पढ़ रहा है, कोई अलग से किसी की ऐसी कोई छुपी हुई बुक नहीं है जिससे उसका एग्जाम क्रैक हो रहा है. उस बुक को ईमानदारी से आप जितनी बार पढ़ सकते हैं. देखिए, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, मेरा डिस्कशन भी हुआ है कि सिविल सर्विसेज इज़ नॉट अबाउट इंटेलिजेंट. अगर आज मैं सिलेक्टेड हूँ इसका मतलब ये नहीं है मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ. इसमें मैटर करता है कि आप कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो. अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप सिलेक्शन में कहीं ना कहीं उस चीज़ को अचीव कर लोगे, रादर कि आप इंटेलिजेंट हो. क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा वेरिएशन है, हमारे साथ जो 10-10 साल बड़े लोग हैं वो भी हैं, जो पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर रहे हैं वो भी है. यहाँ पे एक बीए वाला बच्चा भी है, एक इंजीनियर भी है और डॉक्टर्स भी हैं. तो क्योंकि यहाँ पे एक सब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. आप इस प्लेटफॉर्म से क्या करते हो
इस प्लेटफॉर्म के बाद अपने आप की लाइफ में कितना पुश करते हो उस चीज़ को पाने के लिए, वो आपका डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो। इंटरव्यू की तैयारी भी एक ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने तैयारी कर ली, नहीं, वो एक बचपन से तैयारी चालू हो जाती है कि आप अपने सराउंडिंग्स को कितना ऑब्जर्व कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर टफ सिचुएशन में कैसा क्या रिएक्ट कर रहे हो, आप कितने ही कॉन्फिडेंट हो। एक थोड़ा सा एक इंटरव्यू के बोर्ड के सामने आप जा रहे हो, आपको लग रहा है कि एक डिसाइडिंग फैक्टर है आपका, आप कितने ही महारथी हो। मुझे लगता है थोड़ी सी घबराहट होती है सबको, मेरे साथ भी ये हुआ था शुरुआत में, बहुत सारे आंसर्स नहीं बने थे, बट एक बार मैं कंफर्टेबल हो गई थी तो दिए थे मैंने जवाब। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बाकी करो, पीछे मत हटो, अपना 101% दो। मैं 100 भी नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 12 घंटे पढ़ रहे हैं, बट हाँ, आप जब रात की नींद लो तो आप अपने अंदर सेटिस्फाइड होने चाहिए, आपको सोने से पहले लगना चाहिए कि हाँ, आज आपने कुछ पाया, आपने आज ज्ञान लिया, आपने आज मेहनत की थी, आज का दिन आप जो जिए हो वो वर्थ। बस इतनी सी बात। गोल क्या है वैसे आपका, क्या बनना चाहते हो? गोल मेरा बस ये है कि ज़्यादा नहीं सोचती मैं, मुझे बस ऐसा लगता है कि हाँ, मैं जो भी मेरे को सर्विसेज मिली है उसको मैं बिल्कुल फ्रूटफुली करना चाहती हूँ। मुझे ये है हमेशा से राय, थोड़ा सा इमोशनल मैं रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर जनता को भी सर्व करने का मौका मिल रहा है या मेरे को जो भी मेरी ड्यूटीज मिलेंगी, मुझे उसको फ्रूटफुली करना है और मैं ज्यादा आगे का भी प्लान नहीं करना चाहती। सीक्रेट रहेगा? सीक्रेट तो नहीं, अभी मैंने सोचा नहीं है, बाकी जैसा रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रगल इतना लंबा सफर रहा, आपने भी स्ट्रगल किया है, तो आप सबसे बड़ा क्रेडिट किसको देना चाहते हो आपकी इस कामयाबी में? मैं सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ही बोलूँगी, मेरे मम्मी पापा, मतलब मेरे को ऐसा मानती हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करता है, पर उनका जो रोल रहा है, मतलब मेरे को हर एक चीज़ में सपोर्ट करना, कि वो एक मैं बता नहीं सकती, मतलब उन लोग का थैंक यू। और हर माँ बाप अगर वो करे तो मैं सच बता रही हूँ कि आपके बच्चे आपको एक दिन प्राउड पक्का फील कराएंगे। बट ये ज़रूरी है कि आप भी अपने बच्चे को दे 100%, उस पर बिलीव करें, उस पर विश्वास करें, उसे एक मौका दे अपने आप को प्रूव करने का। तो बस मैं अपने माँ बाप के लिए मतलब बहुत ब्लेस्ड हूँ। सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन से पहले ही अगर मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ तो कि धन्यवाद आपने मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए। ओके, कैसा क्या लग रहा है आपको ये, मतलब फर्स्ट इंटरव्यू है इस टाइप से, राइट? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं थैंक यू आपको भी कि मतलब आपने मुझे बुलाया, मैं अपनी जर्नी रख पाई। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत प्रिविलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, बट हमारा ये होना चाहिए कि ऐसे लोग जो कि बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आए हुए हैं पर वो भी कुछ कर सकते हैं, ताकि, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप वो एक मीडियम हो जिससे वो चीज़ हम पहुंचा सकते हैं। कोई एक ऐसा इंसान है जो डीमोटिवेट फील कर रहा है, तो मुझे अगर लग रहा है कि अगर मैं उसको 10% भी मोटिवेट कर दे रही हूँ आज के वीडियो से कि आप कुछ अच्छा करो, आप हार मत मानो, आप बस लगे रहो, पक्का आपको सफलता मिलेगी, तो आपका और मेरा पर्पस कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। जी, आई होप जो भी ऑडियंस देख रहे हैं उनको ये इंटरव्यू पसंद आएगा, कहीं ना कहीं बहुत कुछ चेंज होंगे आपके लाइफ में अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है, सुना है। मैंने इसलिए इस पर बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी के बारे में नहीं बात की क्योंकि यार ऑलरेडी बहुत सारे डले हुए हैं, आप सब जगह हर जगह स्ट्रेटजी ढूंढोगे तो आप डाइवर्ट होंगे, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, आप डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा कि मैं इस बुक से पढ़ूँ, इस टॉपर ने ये सजेस्ट किया, इस टॉपर ने ये किया, बट ये सुझाव आपका, मतलब आपके ऊपर है। हमारा तो मोटिव ये है कि आप, हम बता दें कि यार कैसे प्रिपरेशन किया, तो आप भी कर सकते हो। चलिए बस एंड करता हूँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे इनका लोधी साहब का जो इंटरव्यू हुआ है, हम जो कॉपी है तो मैं टेलीग्राम पे इनके जो नोट्स हैं, कॉपी वगैरह हैं, वो शेयर कर दूंगा कि ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार ऐसे नोट्स बनाते थे, ऐसे कॉपियाँ लिखते थे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट इंटरव्यू किसका जाते हैं ये भी बता दीजिए कमेंट करके, कोशिश करेंगे हम वो इंटरव्यू आपके सामने लाने की। थैंक यू सो मच।